देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला निर्वाचन नगर पालिका सह जिलाधिकारी राजीव रौशन वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 को लेकर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिले में कुल 11 नगर निकाय हैं, जिनमें प्रथम चरण में 4 नगर निकाय नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत आयाघाट, नगर पंचायत बहेरी और नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी तथा द्वितीय चरण में 3 नगर निकाय नगर निगम दरभंगा, नगर पंचायत सिंहवाड़ा और नगर पंचायत भरवाड़ा में चुनाव कराया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के लिए 10 सितंबर 2022 से नाम निर्देशन की तिथि प्रारंभ हो गई है, जो 19 सितंबर तक अवकाश तिथि को छोड़कर निर्धारित है। वहीं 25 सितंबर और 26 सितंबर को संवीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। 27 सितंबर से 29 सितंबर तक अभ्यर्थिता वापस की अंतिम तिथि निर्धारित है तथा 30 सितंबर को प्रतीक यानी सिंबल का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण का मतदान 20 अक्टूबर को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक निर्धारित है और 22 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम के 48 वार्डों के लिए 266 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2,39,191 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनमें 1,25,640 पुरुष मतदाता, 1,13,545 महिला मतदाता एवं अन्य 6 मतदाता शामिल हैं। नगर परिषद बेनीपुर के 29 वार्डों के लिए 69 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 55,641 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। नगर पंचायत बहेरी के 15 वार्डों के लिए 23 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 15,468 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 8,107 पुरुष मतदाता, 7,361 महिला मतदाता शामिल हैं। नगर पंचायत हायाघाट के 17 वार्डों के लिए 24 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 16,141 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनमें 8,494 पुरुष मतदाता, 7,647 महिला मतदाता शामिल हैं। नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 13 वार्डों के लिए 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 12,124 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 6,244 पुरुष मतदाता, 5,876 महिला मतदाता शामिल हैं। नगर पंचायत सिंहवाड़ा के 10 वार्डों के लिए 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,664 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 5,842 पुरुष मतदाता और 5,122 महिला मतदाता शामिल हैं। नगर निगम का मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद का पद अनारक्षित महिला है। इसी प्रकार नगर परिषद बेनीपुर का मुख्य पार्षद है, उप मुख्य पार्षद का पद भी पिछड़ा वर्ग अन्य है। नगर पंचायत बहेरी का मुख्य पार्षद का पद पिछड़ा वर्ग है और अन्य उप मुख्य पार्षद का पद अनारक्षित महिला है। नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी का मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का पद भी अनुसूचित जाति अन्य है। नगर पंचायत सिंहवाड़ा का मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद दोनों पद अनारक्षित अन्य के लिए तथा नगर पंचायत भरवाड़ा का भी दोनों पद अनारक्षित अन्य के लिए है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी के लिए व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है, जिसमें नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए 20,000 रूपए, नगर परिषद के वार्ड पार्षद के लिए 40,000 रूपए, नगर निगम के 4,000 से 10,000 तक आबादी वाले वार्ड पार्षद के लिए 60,000 रूपए तथा 1,00,000 से 1,00,000 से अधिक आबादी के वार्ड पार्षद के लिए 80,000 रूपए अधिकतम तथा मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के मामले नगर निकाय है तो वार्ड वार निर्धारित राशि उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक की आधी होगी। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय के लिए निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। नगर निगम के लिए अमृता बेंस उप विकास आयुक्त को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। वही नगर परिषद बेनीपुर के लिए शंभुनाथ झा अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर को, नगर पंचायत बहेरी के लिए मनोज कुमार पवन अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर को, नगर पंचायत हायाघाट के लिए गणेश कुमार निर्देशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को, नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के लिए संजीव कुमार कापर अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को, नगर पंचायत सिंहवाड़ा के लिए राजेश कुमार जिला परिवहन पदाधिकारी को। उन्होंने कहा कि नगर पालिका आम निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत की तिथि से विधिवत रूप से परिणाम घोषणा तक सभी नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार अभ्यर्थी और उनके कार्यकर्ताओं का सामान्य आचरण होना चाहिए।
वे वैसे कई कार्य नहीं करें जिसमें कि किसी के धर्म, संप्रदाय, जाति की भावना को ठेस पहुंचे। बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम का अक्षरशः अनुपालन करें। एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। कहा गया कि सभा, जुलूस, नुक्कड़ सभा, वाहन के संबंध में सभी निर्वाचित पदाधिकारी से पूर्वानुमति आवश्यक है। दरभंगा की पुलिस की तैयारी शुरू हो गई है। पिछले एक महीने से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और जितने केसेस पेंडिंग है उसमें अपराधियों की गिरफ्तारी तेज की गई है। चुनाव से संबंधित इस जिले में कोई कांड पहले से लंबित नहीं है, सभी में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, लेकिन जो चुनाव को प्रभावित करने वाले ऐसे तत्व हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। कुछ लोगों के विरुद्ध CCA 3 का प्रपोजल ऑलरेडी आ चुका है और बाकी लोगों के विरुद्ध हम लोग प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, कुछ शीघ्र भेजा जाएगा। इसके अलावा 107 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई के लिए सभी को निर्देशित किया गया है, उसमें लोग चिन्हित कर रहे हैं। अपने सारे बूथ्स की वेरिफिकेशन, उसका रूट वेरिफिकेशन, कोई सेंसिटिव एरिया है तो उसको चिन्हित करने के लिए सभी SHOs को, इंस्पेक्टर्स को, SDPOs को निर्देशित कर दिया गया है। पर्याप्त बल और संसाधन उपलब्ध हैं हम लोगों को। बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, भयमुक्त वातावरण में ये चुनाव हम लोग करवाएंगे और सभी से अपील है कि इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसको सफल बनाएं। त्यौहार जो पिछले दो त्यौहार यहाँ पर हमने देखे, मेजर फेस्टिवल्स जिसमें प्रोसेशंस निकले हैं, दरभंगा में मुहर्रम हो या रामनवमी का हो, यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्वक ढंग मिलजुल कर सभी ने इस त्यौहार को मनाया और आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा भी है जो एक मेजर फेस्टिवल होगी, बट चुनाव सभी त्यौहारों का सबसे बड़ा त्यौहार, लोकतंत्र में इससे बड़ा त्यौहार कुछ नहीं हो सकता। इस चुनाव के त्यौहार को भी आप लोग उतना ही सफल बनाएं जितना कि पहले के दो त्यौहारों को आप लोगों ने बनाया है। दरभंगा जिला अंतर्गत नगर निकायों के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। दो चरण में निर्वाचन संपन्न होना है। प्रथम चरण में नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत हायाघाट, नगर पंचायत बहेरी, नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान कोली और द्वितीय चरण में नगर निगम दरभंगा, नगर पंचायत सिंहवारा, नगर पंचायत भरवारा में निर्वाचन संपन्न होना है। प्रथम चरण में जो नगर निकाय हैं उनका नामांकन 10 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो रहा है और जो द्वितीय चरण में हमारे नगर निकाय हैं उसमें 16 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो रहा है। निर्वाचन संपन्न होना है, मतदान जो है प्रथम चरण के लिए 10 अक्टूबर की तिथि है और द्वितीय चरण के लिए 20 अक्टूबर की तिथि निर्धारित है और मतगणना 2 दिन बाद मतदान के, यानी प्रथम चरण के लिए 12 अक्टूबर को और द्वितीय चरण के लिए 22 अक्टूबर को संपन्न होना है। टोटल मतदान केंद्र हैं 7 नगर निकाय मिला के दोनों चरण के, वो 431 है, 431, जिसमें नगर निगम दरभंगा जो है वो हमारा सबसे बड़ा है जिसमें 266 मतदान केंद्र बनाए। ओवरऑल 359374 7 नगर निकाय जहाँ पे निर्वाचन संपन्न होना है प्रथम और द्वितीय चरण में, इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 359374 है। ये और जो नगर निगम दरभंगा है इसमें 239191 मतदाता है। जो सुरक्षा के लिए लोगों ने व्यापक इंतजाम किए हैं, आपने जिस प्रकार से SP साहब को सुना है, हम लोग हर बूथ को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हुए, हर बूथ को संवेदनशील मानते हुए तैयारी कर रहे हैं और जो भी पूर्व तैयारी करनी हो, चाहे प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में हो, चाहे CCA की कार्रवाई करनी हो, चाहे मद्य निषेध कानून के तहत कार्रवाई करनी हो, और इस बार का चुनाव इस अर्थ में विशेष है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के संदर्भ में जो हमारा स्टेटस है और इसको बैन करने के संदर्भ में हम लोग इसका कड़ाई से अनुपालन सर जो नहीं, अभी तक जो है हमारा वोटर लिस्ट जो है वो प्रकाशित हुआ है, 100% हमारा आधार से मैप्ड नहीं है। जहाँ तक हमारे मतदाता हैं उनको ये सब लोगों के लिए स्वैच्छिक भी है, ये कोई अनिवार्य है भी नहीं है अभी तो, अभी तत्काल जो हमारा मतदाता है 100% नहीं है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है,
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालबाग जठियाई पोखर नगर निगम गोदाम के निकट 7 सितंबर की रात करीब 9 बजे एक महिला के गाली देने के मामले से शुरू हुआ विवाद और मामला डायगरबाजी तक पहुंच गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि डायगर स्वर्गीय जवाहरलाल राम के बेटे क्रांति राम ने चला दी, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें से एक कुंदन राम को डीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया इलाज करवाने हेतु, लेकिन स्थिति नाजुक होने के कारण उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं शुक्रवार को दिन के 2 बजे उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के 3 दिन हो जाने के बाद भी प्रशासन यहां नहीं आ पाई। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन के विरोध में गुस्सा फूटा, प्रशासन के साथ भी धक्का मुक्की नोकझोंक हुई। स्थानीय लोगों ने मिर्जापुर चौक को जाम कर घंटों सड़क बाधित कर दिया और सबको रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जिसको मारा ना, मर्डर किया है ना, उससे बोला बोली हो रहा था, मर्डर किया है, पुलिस को बोला बोले, पुलिस आया उसके साथ, ठीक है, आ करके जब आया है तो पुलिस सामने में उसको भतीजा आया, उसको डायगर दिया है, एकलौते से तीनों को मर्डर किया, मार दिया तीनों को, पुलिस भागने लगा शासन के सामने में। सात तारीख को, 7 सितंबर को हमारे लालबाग जठियाही पे, ठीक है, एक परिवार को, एक बीजेपी का अपने को सो कॉल्ड नेता, जिसने पूरे सबको त्रस्त किया हुआ था पिछले कई सालों से, जिस परिवार का कंप्लेन था कि वो बात बात में किसी के घर में घुस के मारपीट करना, लोगों के साथ रंगदारी करना और ये करना त्रस्त किया हुआ था, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, हमारे शहर के नगर विधायक साहब है, इन्होंने इतना उसको जो पावर से भर रखा था कि उसने इस अंजाम दिया, तो उसने एक परिवार के जवान लड़के को, जो 24 साल का एक जवान ये था, जो 3 बच्चों का ये बाप था, एक छोटा बच्चा इसका 8 महीने की जो बच्ची गोद में है, उसको उसने डायगर मार के उसकी हत्या कर दी। क्या नाम? 7 तारीख को जब इंसान ये मामला हुआ और ये घायल अवस्था में जब डीएमसीएच गया, डीएमसीएच ने इनको रेफर कर दिया पटना पीएमसीएच, और पटना पीएमसीएच में कल इलाज के दौरान इनकी जो है मृत्यु हो गई। जिसने दी क्रांति राम और उसका परिवार है, कहां के रहने वाले हैं? अठियाही लालबाग के रहने वाले हैं। कि हम के मान जो मुख्य ये है कि सबसे पहले जो ये लोग अभियुक्त है, उन सारे अभियुक्तों का, जो 7 अभियुक्त है, उनका जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए। 7 अभियुक्त का जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए, और अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो इस स्थिति में कि अगर प्रशासन ये कहता है कि नहीं हम छापेमारी कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, तो उनका कुर्की जब्ती की। पर जो है आपको ये बता दें कि जब 7 तारीख को जब ये घटना घट रही थी, तो नगर थाना के जो 3-2 सिपाही और एक जो पदाधिकारी थे, वो ऑन द स्पॉट थे, उनके सामने छुरा मारा गया, और ये पुलिस वाले अपना जान बचाने के लिए ये गोदाम में भागे। द्वारा पीएमसीएच पटना में रेफर कर दिया गया, इलाज के क्रम में इसकी मृत्यु हो गई। उसी के विरोध स्तरों के लोग रोड जाम किए हुए थे, तो हम लोग द्वारा आश्वासन के आधार पर लोग रोड जाम छोड़े हैं, और हम लोग को जो मुद्दाले हैं उसके अभियुक्त हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, और जिस पुलिसकर्मी द्वारा नेग्लिजेंसी किया गया है उसको भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। अभियुक्त के रूप में बताया गया है, जो नियम FIR हो चुका है 300 का, और इनके विरुद्ध हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं, अगर नहीं सरेंडर करते हैं तो इनके विरुद्ध हम लोग कुर्की जब्ती की कार्रवाई यथाशीघ्र करेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय काम से ज्यादा अपने कारनामे के लिए चर्चा में रहता है। ताजा मामला हैरान और परेशान करने वाला है। इस बार तो यूनिवर्सिटी सभी हाड़े पार करते हुए बिहार के राज्यपाल महामहिम फागू चौहान को ही अपने यहां का परीक्षार्थी बनाते हुए
स्नातक थर्ड पार्ट के एडमिट कार्ड पर उनकी तस्वीर लगा जारी कर दिया। फागू चौहान की तस्वीर एडमिट कार्ड पर जारी होने के बाद यह बड़ी तेजी से न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बल्कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के क्रियाकलाप पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वायरल एडमिट कार्ड की पुष्टि करते हुए खुद यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने महामहिम फागू चौहान की तस्वीर एडमिट कार्ड पर चिपकाए जाने पर हैरानी जताते हुए यूनिवर्सिटी की गलती तो जरूर स्वीकार की लेकिन इसका ठीकरा छात्रों और साइबर कैफे पर फोड़ते हुए कहा। पूरा फॉर्म छात्र खुद भरते हैं, ऐसे यह काम छात्र का है या साइबर कैफे वालों की बदमाशी के कारण अक्सर होता है जिससे यूनिवर्सिटी की बदनामी होती है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि इसमें यूनिवर्सिटी की भी गलती है, भविष्य में ऐसी गलती न हो इसके लिए विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि छात्र लाखों में होते हैं, ऐसे में सभी तस्वीर को ध्यान से देखना और पहचान करना संभव नहीं। लाखों एडमिट कार्ड एक साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं जिससे ऐसी खामियां कभी कभी हो जाती है। पुणे मामले पर उन्होंने बताया कि जिस छात्र के एडमिट कार्ड पर महामहिम की तस्वीर मिली है उस छात्र को नोटिस कर बुलाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी, जिसकी भी गलती होगी उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। लड़की में आया है नाम क्लास विद्यालय के स्नातक तृतीय खट की जो परीक्षा 12 तारीख से होने वाली है उसके एडमिट कार्ड जो प्रवेश पत्र बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं उसमें के एक दो प्रवेश पत्र में छात्र की फोटो की जगह पे महामहिम का फोटो आ गया है। देखिए सच्चाई ये है कि हाँ ये जो फोटो है या नाम या अपलोड ये छात्र के द्वारा उनके अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से या किसी प्राइवेट निजी कैफे के द्वारा साइबर कैफे के द्वारा भरा जाता है तो छात्र जो भरेंगे वही आएगा। छात्र ने की गलती से या जहाँ से उन्होंने भरा उसने जानबूझ करके ऐसी गलती की है कि उसमें एक नियम यह है कि कोई भी कॉलम अगर खाली होगा तो अब वो फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं, तो सबमिट करने के कारण के वक्त में हो सकता है इसका फ़ोटो न रखे, कोई फ़ोटो डाल दिया हो उन्होंने, अब वो फ़ोटो महामहिम का फ़ोटो डाल दिया हो। तो चूंकि एक साथ 2-2.5 लाख छात्र होते हैं और उसका प्रवेश पत्र जारी होता है और तकनीकी माध्यम से होता है, जो छात्र भरते हैं वही होता है, तो कहाँ ये चूक हुई है उसको हम लोग कल देखेंगे, इसकी जाँच करेंगे और छात्रों को चिन्हित करके उसे नोटिस करेंगे कि ऐसी गलती उसने क्यों की। चूँकि महामहिम का फ़ोटो लगाना बहुत ही गलत है, ये अशोभनीय बात है, ये सराहनीय की कहा सकता है ना, क्योंकि महामहिम जो है वो शिक्षा के क्षेत्र के प्रधान हैं और उनके फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करना बहुत बड़ा अपराध है। उसकी जांच होगी, हम लोग पता लगाएंगे, जांच करके उसको कार्रवाई करेंगे। पहले जो वेरीफायर तो होता है चूँकि कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है, लेकिन चूँकि 2-2.5 लाख छात्र होते हैं सभी का एक एक करके फ़ोटो चेक होना ये होना, हाँ अब आ रहा है कि उसमें ये होना चाहिए कि कोई इस तरह के जो प्रमुख लोग हैं उनकी फ़ोटो डाली जाए तो नहीं आए, इस तरह का कोई विधि होनी चाहिए, तो वो मैं देखता हूँ उस पर क्या कर सकते हैं। ये कमरे का जब भी होता है ये त्रुटि है, छोटी सी त्रुटि जरूर है, लेकिन इससे तो विश्वविद्यालय के साख पे लगता है कि विश्वविद्यालय, आम लोग आम जन ये समझते हैं कि ये विश्वविद्यालय सब गलती हुई है, जबकि जो पढ़े लिखे लोग वो जानते हैं कि हम जो कुछ फॉर्म में भरेंगे वही सामने आएगा, तो छात्र ने जैसा किया वैसा आया है, तो उसका जांच करेंगे कि ऐसी गलती क्यों करें और हम लोग चिन्हित करके इस तरह के भविष्य में ऐसा न हो इस तरह का हम लोग प्रावधान भी करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता बिहार हिरासत समिति के अध्यक्ष विधायक भाई वीरेंद्र शनिवार को दरभंगा पहुंचे। जिला अतिथि गृह लहरी असराय में उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा माँ और सीधे भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही, खाने पीने के सामान चावल आटा जैसे सामानों पर भी GST लगा दिया गया जिससे गरीब तबके के लोग काफी परेशान हैं। वे भाई वीरेंद्र ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का मतलब होता है सबसे भरा झूठा पार्टी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार बनाओ, हम प्रधानमंत्री बनते ही देश में 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन 8 साल बीत गए आज तक नरेंद्र भाई मोदी किसी को नौकरी तक नहीं दे सके। महंगाई से गुजर रहा है, बेरोजगार तबाह है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यही मोदी सरकार ने कहा था और माननीय प्रधानमंत्री आज के और कल के वो नेता थे बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनाओ, प्रधानमंत्री हम बनते ही
देश में एक साल में 2 करोड़ नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम। 8 साल बीत गए, 16 करोड़ नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए था, एक भी रोजगार नहीं मिला। लेकिन एक काम जरूर हुआ, नोटबंदी के एकाएक नोटबंदी कराकर अपना धन को वाइट करने का काम इन लोगों ने। नीरव मोदी जैसे लोगों को यहां से भगाकर रिजर्व बैंक का सारा पैसा लेकर भाग गया, और रिजर्व बैंक में वो इंग्लैंड में चल रहा है केस, वहां के कोर्ट में नीरव मोदी ने कहा है कि मात्र उस पैसे में से 24% ही हमें पैसा मिला है, बाकी पैसे बीजेपी के नेताओं ने अपने में बांट लिया। पहुंचाया है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहा है, और आया है हिंदू मुसलमान करने के लिए। इस बार चुनाव में 24 में पता चल जाएगा बीजेपी को भी 24 में देश छोड़कर 7 समुद्र भगाने का हम लोग काम करें, और देश की जनता ने तय कर दिया है कि हम 7 समुद्र भगाने का काम करें। आम आवाम को आह्वान करते हैं, ये बीजेपी अगर देश में शासन रह जाएगा तो आने वाला दिनों में कभी चुनाव नहीं होगा। लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, लोकतंत्र को अगर बचाना है तो बीजेपी को देश से भगाना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभागों एवं 4 जिलों दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के महाविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र में टीवी मुक्त भारत अभियान चलाया जाएगा। कुलपति ने कहा कि टीवी मुक्त भारत अभियान राष्ट्र निर्माण हेतु आवश्यक है, यह जन भागीदारी से संबंधित कार्य है जिसमें सबकी भागीदारी आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा टीवी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार की यह योजना बहुत ही लाभकारी योजना है, और इसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों को या अन्य क्षेत्र के लोगों को भी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। कल माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह कार्यक्रम का उद्घाटन करना और राष्ट्र को संबोधित करना इस बात को दर्शाता है कि वो सभी लोग कितने गंभीर हैं। सच बात यह है कि जब तक हम स्वस्थ भारत नहीं बनेंगे, सभी नागरिक स्वस्थ नहीं रहेंगे, उस वक्त तक हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकेंगे। इसलिए भारत सरकार की यह योजना 2025 तक टीवी मुक्त भारत बनाने की है, उसमें हम अपील करते हैं कि सभी शैक्षणिक संस्थान इसके जो योजनाएं हैं, तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं, उसमें एक योजना यह भी बनाएं, और विशेषकर NCC और NCC के छात्रों के द्वारा अभियान चलाया जाना चाहिए। माननीय कुलपति महोदय ने भी इस कार्यक्रम को जन आंदोलन के रूप में कार्यक्रम कर करके साबित करने का प्रयास किया है, और इस तरह का निर्देश भी उन्होंने दिया है। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ पटना द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में जिला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना के माध्यम से अपने कई मांगों को लेकर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से भी दरभंगा जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ कहते हैं उनके, और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ पटना, दोनों के संयुक्त आह्वान पर ये पहला चरण है कि जिला में हम लोग अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के धरना पर बैठे हैं। फिर 15 नवंबर को हमारी स्टेट में होगी वहाँ धरना इसी मांगों को लेकर के, और नहीं मानी सरकार तो फरवरी में हमारी जंतर मंतर पर फिर केंद्र सरकार के सामने धरना होगी। मांगे इसकी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, 7वां वेतन आयोग में जो शिक्षक विरोधी प्रावधान है उसको हटाई जाए, हमारे नियोजित बंधु जो है उनको पूर्णति की लाभ, सेवा शर्त सब नियमित शिक्षक के भांति दिया जाए। कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जो, क्योंकि AIPTF के मांग है, तो कुछ स्टेट में अभी भी हमारे शिक्षक जो हैं वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए, ये सब मांग मुख्य। तो आज मुख्य मांग हम लोगों का है जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों को पेंशन नहीं मिलता है, वेतन में विसंगति है, और अन्य जैसे जितनी भी सुविधाएं नियमित शिक्षक को मिलती है वो नहीं है, उससे वो वंचित है।
सिर्फ उन्हीं के मांगों के लिए आज प्राथमिक शिक्षक संघ अखिल भारतीय बिहार राज्य और दरभंगा इकाई भी धरना पर बैठा हुआ है। आज पूरे देश में 10 तारीख को धरना चल रहा है, उसी संदर्भ में हम लोग बैठे हैं। मुख्य मांग मैं बता दिया और ये जो है तो यह निश्चित है जो यह मांग मिलेगी ही, लेकिन इसके लिए संघर्ष की जरूरत है। संघर्ष पर अब प्राथमिक शिक्षक संघ, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ इस पर भिड़ गया है और बिना लिए हुए छोड़ेगा नहीं। नमामि गंगे के द्वारा कई तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, जिसकी शुरुआत नटराज डांस एकेडमी की वरीय नर्तकी सुश्री हर्ष प्रिया एवं प्रीति और रिंझिन के द्वारा गणेश पल्लवी से शुरुआत हुई, जिसमें जनता मंत्र मुग्ध हो गए एवं जोरदार तालियों से पूरा पंडाल गूंज उठा। इसमें नुक्कड़ नाटक एवं विभिन्न स्कूलों से क्विज कंपटीशन, कहानी कविता चित्र प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।